आज हम जाने वाले हैं कोल्हापुर। तो वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, निसर्ग नाम है उसका। तो अगर आप आपके फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो दिस इज वन लोकेशन दैट यू कैन कंसीडर गोइंग। तो आज हम लोग लेके जा रहे हैं ये वाला गाड़ी, मतलब डैड का गाड़ी क्रेटा। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम कहीं तो रुक कर खाएंगे, नाश्ता करेंगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सफर। तो अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए श्री वड़े वाले के पास। और यहाँ पर जो वड़ा पाव है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलता है। तो हम हमेशा यहाँ पर एक स्टॉप ले लेते हैं जब भी हम महाबलेश्वर या कोल्हापुर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करना, एटलीस्ट द आलू भजी इज जस्ट अमेजिंग, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। और क्लाइमेट जो हो रखा है ना, अमेजिंग। गाइस मम्मी इन लोगों को प्रॉपर खाना खाना था, तो हम लोगों ने सोचा फिर यहाँ पे ही साइड में एक साई इंटरनेशनल है, वेज नॉन वेज दोनों भी वहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है, तो ये आया हल्का होके। और भाई हम लोग यहाँ पे रुके थे खाने के लिए, एंड द फूड वाज जस्ट अमेजिंग। अंडा करी एक नंबर। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है आइसक्रीम। हमारे साथ चीटिंग हुई है। तू आइसक्रीम तो देखो ग्लास तोड़े, ये देखो और ये हमारा देखो। सोनू भैया के साथ जाना है वॉशरूम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं निसर्ग रिसोर्ट। काफी मस्त प्रॉपर्टी है ये। अब तक तो पूरा देखा नहीं है, बट इट लुक्स रियली वेरी नाइस फ्रॉम हियर। अब अंदर जाके मैं बताऊंगी आपको कैसे लगा। तो काफी सफिशिएंट सा पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काहे भाई बादल आए हुए हैं। क्लाइमेट तो फिलहाल बहुत अच्छा है, इट्स वेरी प्लेजेंट। अच्छा सा हम लोगों को एक गार्डन मिला हुआ है। भाई ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, अलोंग विद अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे बाहर बैठने के लिए थोड़ी बहुत जगह है, तो गैलरी में से आपको काफी अच्छा व्यू मिलेगा और गार्डन में भी आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। इट्स अमेजिंग, आपको काफी अच्छा लगेगा ये प्रॉपर्टी। हमारा जो रूम था वो 15,000 का था। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको सारे रूम कैटेगरीज दिखा रहा हूँ, बंगलो बाहर से कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूँ, अंदर से बहुत ही ज़्यादा विंटेज काइंड ऑफ फील आपको आएगा। रूम्स काफ़ी क्लीन है और हम लोगों को ये जो दो रूम्स है ये पड़े थे 15,000 के। ये है निकॉन Z30 जिसे मैं शूट कर रहा हूँ। और भाई शाम के टाइम पे ना यहाँ पे आपको काफ़ी मस्त लगेगा, एकदम कोजी सा एनवायरनमेंट होता है, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है एंड खाना इज जस्ट अमेजिंग। ये और तीन टाइप के रूम्स है जो आपको देखने मिलेंगे, नॉर्मल रूम्स, ट्रक और वाड़ा। गाइस फाइनली थोड़ा सा नींद हो गया अच्छा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ रेस्टोरेंट। यह है हाई टी वाला टाइम, एंड ट्रस्ट मी यहाँ पे हाई टी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चाय तो भाई लाजवाब है, ट्रस्ट मी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ निकॉन Z30 से, और जो एक्सपीरियंस है ना दैट इज माइंड ब्लोइंग, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे जो भाई हवा है ना, जस्ट अमेजिंग, लुक एट दिस। तो भाई अभी हो गई है शाम, और जो क्लाइमेट हुआ है ना, That's just amazing, trust me। तो भाई चलिए बात करते हैं अब इस प्रॉपर्टी के बारे में। कोल्हापुर से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, आई गेस 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होगा। तो कोल्हापुर से बहुत पहले है, कोल्हापुर आपको जाना नहीं है, कोल्हापुर से पहले ही एक राइट आता है, वो आपको मारना है अगर आप पुणे से जा रहे हो तो, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो प्राइस हमें पड़ा है दैट इज 14,000 रुपीज़ पूरे बंगलो का फॉर अ डे। इसमें मील्स इंक्लूडेड नहीं है, और मील्स आप सेपरेटली ले सकते हो, बट द रेस्टोरेंट इज प्रीटी गुड। काफ़ी अच्छा सर्विस हमें यहाँ पे मिला। वाईफाई थोड़ा सा वीक है, अगर आप बंगलो लेते हो तो यहाँ पे ना तो वाईफाई आपको फास्ट मिलेगा, ना ही रेंज आपको मिलेगी यहाँ पे फ़ोन की। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड दैट फॉरगेट अबाउट योर फोन, फॉरगेट अबाउट योर रेंज एंड जस्ट एन्जॉय। सो इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो इट्स अमेजिंग। यहाँ पे बंगलोज भी है, यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स भी है, अलग अलग कॉटेजेस भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, एंड एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक, एवरीथिंग इज़ जेन्युइन। और काफ़ी अच्छा सर्विस हमें यहाँ पे मिला, बेड बहुत कंफर्टेबल है और वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, भले ही बारिश है लेकिन कीड़े मकोड़े कहीं पे नहीं है। तो आपको वो जो हमेशा जो बारिश के टाइम पे बाहर जाने का जो डर रहता है ना कि बेड में कुछ कीड़े निकलेंगे, ये होगा वो होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली क्लीन। खाने की अगर बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको क्या पसंद है, वेज नॉन वेज दोनों भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सैंडविचेस, ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चिकन मटन एवरीथिंग। तो भाई अभी बजे है 8:30, हम लोग जा रहे हैं
खाना खाने के लिए। नाइट के टाइम पे ये जगह है ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। लुक एट दिस, वेरी नाइस लाइव फ्लूट म्यूजिक बज रहा है। आज वेज और नॉन वेज में बहुत सारे डिशेस हैं। चिकन में मटन भी है, आई मीन नॉन वेज नॉन वेज में मटन, चिकन में मटन भी है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा कोल्हापुर में डे नंबर 2। रेस्टोरेंट में ना जो प्रोग्राम्स चलते हैं ना, दैट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत ही सही, मतलब फील ही अलग है भाई। मॉर्निंग एवरीवन, तो हम रेडी हो गए हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स ऑन द मेन्यू टुडे। अभी कल रात का डिनर तो बहुत ही अमेजिंग था, अब होपिंग के ब्रेकफास्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा रहे। पोहा, मिसल पाव, प्लेन उत्तप्पा, ग्रीन पीस पोहा, टमाटो उपमा, पाइनएप्पल शीरा, थाल पीट, वेनिला मिल्क शेक, बेसन लाडू, रवा लाडू, ऑमलेट पाव। काम कर दीजिए भाई, नाश्ता जो था ना लाजवाब, ट्रस्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ना बहुत अलग अलग टाइप के रूम्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो एक रेगुलर रूम्स है, सेकंड वाला चीज़ जो है वो है स्टोन विला, थर्ड वाला चीज़ जो है वो है वाड़ा, स्टोन वाड़ा पूरा, और फोर्थ वाला चीज़ जो है वो है ट्रक विला। तो ये चारों भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है, पूरी तरीके से एस्थेटिक्स इसके पूरे अलग है और आपको काफ़ी पसंद आएगा। वाड़ा में अगर आप 10-12 लोग आ रहे हो तो वाड़ा इज़ द परफेक्ट ऑप्शन टू गो विद। अगर आप सिर्फ एक कपल हो तो आपको ट्रक विला जो है वो एकदम परफेक्ट मैच है। ये वाले जो रूम्स जो मैंने आपको दिखाए, देखो ये वाले मेरे पीछे आप देख पाओगे, ये जो रूम्स है ये वाला जो है, अगर आप कपल आ रहे हो या फिर फैमिली आ रहे हो और आपको सेपरेट रूम्स चाहिए तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। और जो स्टोन विला है जो हम लोगों ने लिया था, तो वो वाला एक काफ़ी अच्छा है अगर दो बेडरूम्स का विला आपको चाहिए। जैसे मान लो दो कपल्स आ रहे हैं या एक फैमिली आ रहा है 5 लोगों का या 4 लोगों का, दैट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन। इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बोलूँ आपको, तो मैं 10 आउट ऑफ, अगर रेटिंग देना हो इसे तो 10/10 में इसको 100% रेटिंग दूंगा, बिकॉज एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा भी ख़राब नहीं हुआ। We just loved whatever we saw over here. तो चलो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बाय बाय बोल रहे हैं अभी। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था। It was really very nice. Amazing experience, बेटा। Amazing experience. और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, actually काफी देना पड़ेगा reviews अगर देंगे ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी सारा footfall हो सकता है। और अगर आप group के साथ आओगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। I would suggest you all to come with a group. तो भाइयों, नीचे आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो कि आपको ये ओवरऑल प्रॉपर्टी कैसा लगा है, आपको ये व्लॉग कैसा लगा है और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप हमारे व्लॉग्स में देखना चाहते हो। ये वाला वीडियो थोड़ा सा फास्ट था बिकॉज मुझे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में देना था। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।